तो वो है सामने रिवर का सोर्स। तो मोस्टली टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने। किस्मत कभी भी पलट सकती है आपकी, मेरी तो नहीं पलटी। और यहाँ पे इन्होंने गोल्ड प्राइसेस लिखे हुए हैं अराउंड 1850s। बट अभी सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड पीस है 69 केजीज का। दिस इज द नगेट फाउंड बाय रिचर्ड जेफरी। ये अभी कॉफिन बनाने वाली शॉप। हमारे जैसे गरीब लोग नीचे बैठते थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए दिन में, एक और नए ब्लॉग में। आज का दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है और किस तरह से डिफरेंट है ये मैं आपको वहाँ पहुँच कर दिखाता हूँ। तो चलिए करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत और मैं मिलता हूँ आपसे म्यूज़ियम पहुँच के। फाइनली पहुंच चुके हैं स्वान हिल बैलारेट में। तो अभी बस अंदर जाके लेते हैं टिकट्स वगैरह और करते हैं हम अपनी एंट्री। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के हिसाब से रश कम है। मोस्टली हो सकता है शायद लोग वगैरह काम पे हों क्योंकि सिर्फ सैटरडे संडे छुट्टी होती है। मैंने आज छुट्टी ली थी फ्राइडे की, तो वैसे फ्राइडे को रश कम होता है। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि किसी वीकडे वाले दिन ऐसी स्पॉट पर जाएँ ताकि रश कम हो और आप अच्छे से घूम वगैरह सकते हैं। तो भाई काफ़ी बढ़िया मौसम है, बाहर हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हमने अपना सारा सामान वगैरह उठा लिया, गाड़ी को कर दिया है लॉक और मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ। तो ये है सारी पार्किंग वगैरह है, यहाँ पे आप देख रहे हैं खाली वगैरह पड़ी है, इतना फुल नहीं है आज। और इधर लगी है भाई की गाड़ी और सामने इधर से आई थिंक जाके आगे आपकी एंट्री है। तो मेरा यहाँ पे थर्ड टाइम है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं अपने पापा के साथ आया था, नैन्सी भी थी, मम्मी भी थी। तो पापा आए थे ऑस्ट्रेलिया से तो उन्हें घुमाने के लिए। उससे फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो सिर्फ मैं और नैन्सी आए थे, नैन्सी ने मेरे को एक जगह दिखाई थी। तो दिस इज़ माई थर्ड टाइम हेयर। तो इस बार हम थोड़ी ब्लॉगिंग वगैरह भी करेंगे और इसको रिकॉर्ड करके आप सबको भी दिखाएँगे। Hi. Good, how are you? Good, thank you. Can I get one ticket? One? Yep. Right. Any concessions for students? $49 for your card. Yep. Straight in an hour, so at 1:30 you'll see the Redcoat soldiers. They march down and wear this flagpole, they meet and fire their musket. So we hope you have Andre. तो भाई हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। तो अभी हैं हम इधर, आई थिंक इसका नाम है चाइनीज़ विलेज। तो जैसा कि अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा डेल्सफोर्ड लेक वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग वगैरह का काफ़ी रश रहा है। कई जगह कॉपर की माइनिंग होती थी, कई जगह ओपल की और कई जगह अपने आयरन की। तो इस जगह यहाँ पे अभी मैं आया हूँ, यहाँ पे गोल्ड रश आया था तो यहाँ पे गोल्ड की माइनिंग काफ़ी होती थी। और ये जो जगह है मेरे सामने आप देख रहे होंगे नीचे लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे होती है गोल्ड पैनिंग। गोल्ड पैनिंग मतलब होता है कि पीछे से रिवर है, पानी वगैरह आ रहा होता है तो लोग वहाँ से निकालते हैं अपना, आई थिंक जो पंजाबी में पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, पराते वगैरह उठा के उसमें से पानी कैप्चर करते हैं, फिर वो छानते हैं कि शायद गोल्ड मिल जाए। तो वो है सामने रिवर का सोर्स। तो अभी तो गोल्ड वगैरह सब ख़त्म हो चुका है बट इन्होंने फिर भी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी प्रिजर्व करी हुई है, जैसा कि लोग पुराने टाइम पे करते थे। यहाँ पे पानी आता था तो पानी में ये पराते लेके छानते थे और देखते थे, अपना लक ट्राई करते थे गोल्ड मिलेगा कि नहीं।
तो मोस्टली टूरिस्ट वगैरह आए हुए यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ दो बारी अपनी किस्मत आजमाने, ये मेरा थर्ड टाइम है। तो हर बार कोई ना कोई लक तो नहीं था, तो इस बार आई थिंक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही फालतू का टाइम वेस्ट होता है। तो उधर वापस पीछे चलते हैं, चाइनीज़ विलेज जो है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आपको गोल्ड मिलता था तो लोग यहाँ पे आके बैठते थे, आई थिंक यहाँ पे कोई कैशियर वगैरह होता था तो वो आपका वे करके आपको पैसे देता था। चलते हैं अंदर देखते हैं हट में क्या है। तो भाई ये हट अंदर से ऐसे दिखती है, एंट्री बंद की हुई है ताकि लोग अंदर जाके तोड़ फोड़ ना करें। ये कुछ और घर जैसा कि पीछे था, और वो जो चाइनीज़ विलेज मैंने आपको दिखाया था वो आधा है अभी, क्योंकि आई थिंक अगर आप देख रहे होगे वहाँ पे इन्होंने सब बंद किया हुआ, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है शायद, उसको रेनोवेट कर रहे हैं। बट ये बाकी के घर हैं यहाँ पे, वो जो सामने है वहाँ से मेन स्ट्रीट है इस म्यूज़ियम की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं म्यूज़ियम जा रहा हूँ, ये म्यूज़ियम थोड़ा डिफरेंट है। तो ऐसे ये डिफरेंट है क्योंकि इट्स बेसिकली अ टाउन, जो एक्चुअल टाउन था तो इन्होंने उसको एज अ हेरिटेज साइट प्रिजर्व किया हुआ है ताकि लोग वगैरह आके देख सकें कैसे यहाँ पे लोग रहते थे उस टाइम पे। तो ये है भाई मेन स्ट्रीट, यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं काफ़ी, वो पीछे से एंट्री है। ये है ब्लैक स्मिथ की स्टोर, अंदर चल के देखते हैं ब्लैक स्मिथ है क्या कर रहा है। Day. Hey, how are you? Living the dream, sir. तो ये है भाई, हिंदी में बोलते हैं लोहार, लोहार की दुकान। तो यहाँ पे सब लोहे का सामान मिलता था। ये शॉप है टेंट मेकर, बाहर लिखा हुआ है। तो ये वाले भाई टेंट बनाते थे लोगों के लिए। तो जैसे कि वो बाहर घर भी देखे हैं आपने, सारे कपड़े के थे। तो ये है भाई करियाने की दुकान। तो ये अभी भी ऑपरेशनल है, चलती है अगर आपको यहाँ पे सामान वगैरह कुछ लेना हो तो। और ये है सुनियारे की दुकान, पुराने टाइम की। और वो सामने है हमारा बैंक, आपको बैंक भी दिखाते हैं अंदर से कैसा है। इसको बोल रहे हैं गोल्ड ऑफिस। तो ये भाई तिजोरी वगैरह लग रही है यहाँ पे, आई थिंक वो सामने तराजू है, तराजू में वो तोल रहे थे कितना सोना है, वेट के हिसाब से फिर आपको पैसे देते थे। और यहाँ पे इन्होंने गोल्ड प्राइसेस लिखे हुए हैं अराउंड 1850s, तो ये आई थिंक किलो के हिसाब से हैं। तो ये सामने मसालों की दुकान लग रही है, चल के देखते हैं। मसालों की दुकान तो नहीं है, आई थिंक फ्रेग्रेंस वगैरह कैंडल्स की शॉप लग रही है। तो अलग अलग कैंडल्स पड़े हैं यहाँ पे, तेल वगैरह भी पड़ा हुआ है। तो सामने एक छोटा सा रिवर भी है, जापॉन्ड बोल सकते हैं, और उधर बच्चे आए हुए हैं शायद उनकी पिकनिक हो रही है। ये वाला यहाँ पे कैफ़े था मोस्टली जब भी आए थे हम, हर बार इधर आए थे, बट अभी ये बंद है शायद, रेनोवेशन चल रही है। और ये पुराने टाइम का कार्ट। तो वो तो भाई कैफ़े तो बंद है जो मेन कैफ़े है इनका, तो आगे दो तीन बेकरीज वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे जाके ट्राई करते हैं, कुछ कॉफ़ी शॉप ही लेते हैं और खाने के लिए भी कुछ लेते हैं, क्योंकि बस सुबह एक कॉफ़ी पी थी उसके बाद कुछ खाया पिया नहीं है, मैंने सोचा था यहीं पहुंच के खाएंगे। तो ये भाई होटल है, यहाँ पे अंदर चलते देखते हैं कुछ खाने को मिलता है क्या नहीं।
तो वही बाहर गर्मी बहुत हो रही थी तो मैं इधर ये विंटेज होटल में बैठा हूँ। तो भाई ने ऑर्डर किया बियर, साथ में किया एक चीज़ टोस्ट। तो वही मैंने अंदर बैठ के बियर ली थी, तो अभी बियर एंजॉय कर रहे हैं अपने, और साथ में मैंने लिए थे चिप्स एंड टोस्टी, वो मैंने खा लिया है। तो अब पेट थोड़ा फुल है, तो थोड़ी बहुत और वॉक करेंगे और करेंगे एक्सप्लोर। तो वही यहाँ पे आप राइड भी ले सकते हो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो। आई थिंक इस राइड के $5 है पर पर्सन। चलिए वही करते हैं इस वाले होटल को भी एक्सप्लोर। तो भाई इधर परेड हो रही है इनकी, रेड कोट परेड बोलते हैं इसको। आई थिंक ये दिन में एक ही बार होती है, तो लकली मेरे को आवाज़ आ गई और मैंने नीचे आके कैप्चर कर लिया। तो सुबह आया था, रश कम था, अभी अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी चहल पहल हो गई है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे भाई कोई भाषण वगैरह हो रहा है, जाके सुनते हैं क्या हो रहा है। In honor to her Royal Majesty Queen Victoria, God save the Queen! God save the Queen! भाई वो कह रहा था गोली फायर करेगा, बट सच में फायर कर दिया उसने। तो ये है भाई वो गोल्ड माइन टूर, अंदर चल के पता करते हैं टिकट है कि नहीं इनके पास। बाकी मैंने टिकट ले लिया गोल्ड माइन टूर की। आई थिंक उसमें तीन टूर थे बेसिकली, एक ट्रैप करके कुछ था, और एक इमिग्रेशन के बेसिस पे है, और एक सेल्फ गाइडेड टूर है, उसमें आप ज़्यादा माइंस देख सकते हो। बट आई थिंक वो 3:40 पे था, सबसे पहले वाला था वो था 3 बजे, तो हमने लिया है वो वाला। तो बढ़िया, मुझे इधर लग रहा था जो द वेलकम नगेट है, जो वो गोल्ड का पीस था जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वो बैंक में बताया था 69 kgs का, तो वो वाला दूसरे माइन में है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये चर्च है बालाघाट का, अंदर चल के देखते हैं कैसा है। तो ये है पुराने टाइम का चर्च। और इसमें मुझे कन्फेशन रूम नहीं दिख रहा, क्योंकि मोस्टली आई थिंक चर्च वगैरह में कन्फेशन रूम होता है, यहाँ पे आप जाके अपने कन्फेस कर सकते हो जो आपने पाप वगैरह किए हैं, और जो वहाँ का पादरी होता है, फादर होता है, जो प्रीस्ट होता है, वो आपको उन कर्मों से मुक्त कर देता है। और वो है नीचे आई थिंक जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपके, द वेलकम नगेट है, जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ा था उस टाइम, बट अभी सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड पीस है 69 kgs का। तो चल के देखते हैं, अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की और ट्रैवल की, यहाँ पहुँचना कैसे आपको। मेरे घर से, क्योंकि मैं वेस्ट में रहता हूँ, तो तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता है। अगर आप मेलबर्न से आ रहे हैं तो तकरीबन आपको लगेंगे 1.5 घंटे। और ये एक्चुअली पड़ता है बालाघाट में, और बालाघाट के अंदर एक सबब है गोल्डन पॉइंट। गोल्डन पॉइंट के अंदर इस म्यूज़ियम को आप ढूंढ सकते हो, और इस म्यूज़ियम का नाम है स्वान हिल। मैं लिंक वगैरह डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी एंट्री टिकट है, एडल्ट्स की एंट्री टिकट है $49, बट अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आते हो तो आपको वो पैकेज मिल सकता है। तो मोस्टली आई थिंक रेकमेंड मैं यही करूँगा, अगर आपके पास गाड़ी वगैरह है तो आप गाड़ी में आ जाएँ, अगर गाड़ी नहीं है तो ट्रेन्स भी आती हैं यहाँ पे, क्योंकि बालाघाट हमारा रीजनल एरिया में पड़ता है। अगर आप मेलबर्न से आ रहे हो लेट्स से फ्लिंडर्स स्ट्रीट से, तो वहाँ से आपको एक मेट्रो पकड़नी पड़ेगी। डिपेंड करता है किस टाइम पे आ रहे हो सकता है डायरेक्ट वी लाइन भी मिल जाए आपको बालाघाट की, बट वो काफ़ी कम फ्रिक्वेंसी होती है उसकी, तो आपको हो सकता है मेट्रो पकड़नी पड़े, फिर उसके बाद किसी स्टेशन पे उतर के वी लाइन पकड़नी पड़े। तो बालाघाट में ट्रेन स्टेशन है, तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं, उतर सकते हो, और बालाघाट स्टेशन से उतर के आपको फिर से एक
बस पकड़नी पड़ेगी। बस में आई थिंक 10-15 मिनट की राइड है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे इस स्वर्ण हिल के बाहर उतार देगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है, बट उसमें आपको लग जाएंगे तकरीबन 2 घंटे कम से कम। अगर आप लेकिन गाड़ी में आ रहे हो तो गाड़ी में आपको लगेगा 1.5 घंटा। तो आई थिंक ये वाला सेल्फ गाइडेड टूर है, इस पर टूर वगैरह आपको क्या कहते हैं गाइड नहीं मिलता है, बाकी सब में आपको गाइड मिलते हैं। और जो मैंने अभी लिया है टूर, उसकी एंट्री फ़ी है, वो आपकी टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसके मैंने दिए हैं $8, बट ये वाला बिल्कुल फ्री है। तो चलिए चलते हैं अंदर। However, once you've climbed the ladder, you do need to proceed with the rest of the tour. If you do get climb the ladder and you feel very uncomfortable, please yell out to me. I have cameras, I can hear you and I can see you. I can turn the work lights on and I can guide you. तो भाई दीदी ने दी है instructions, तो अभी हम चलते हैं अपने tour पे। तो यहाँ पे भाई मूवी वगैरह प्ले हो रही है भाई। Boys, come quick! I found one in your house! This is the nugget found by Richard Jeffrey on the evening of Wednesday the 9th of June, 1858. तो भाई ये वाला टूर तो हमने कर लिया कवर। अभी जो अगला है मेन है वो है 3 बजे, तो वो नीचे आई थिंक ट्रेन सी में बैठा के नीचे लेके जाते हैं। तो अभी घंटा पड़ा है, तो बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तब तक। तो ये भाई यहाँ पे जिंजर एल वगैरह रखी है उन्होंने। सारे बर्तन वगैरह ग्रोसरी कर लिया। लगे हुए हैं लोग, किस्मत अजमाने अपने, अजमाने भी चाहिए वैसे, क्या होता है किस्मत कभी भी पलट सकती है आपकी, मेरी तो नहीं पलटी। 2 बार ट्राई किया है, 3री बार आज मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ, कुछ होता नहीं है, बट लोग ट्राई कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। तो ये भाई पुराने टाइम पे सर, अभी अंदर चल के देखते हैं। हेलो, हाउ आर यू? प्रीटी गुड, थैंक यू। ये होती थी उस टाइम की किचन। तो इनके जो बाथरूम होते थे घर के अंदर नहीं होते थे, बाहर होते थे जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज वगैरह के लिए जगह बनाई होती थी। पुराने टाइम का स्कूल, नेशनल स्कूल। चल के देखते हैं अंदर खुला है कि नहीं है, बंद है। तो ऐसे दिखते थे पुराने टाइम के स्कूल्स। और वो है ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे मैडम पढ़ाती होगी। तो ये कोई अगाई है, यहाँ पे आप बॉलिंग वगैरह कर सकते हो, बट इनका जो बॉलिंग लेना काफ़ी बड़ा है। आई थिंक पुराने टाइम पे ऐसे होते थे सारी, आई थिंक वो शायद लकड़ी वगैरह की बनी गई, लकड़ी की बॉटल्स थी, आजकल तो काफ़ी एडवांस हो गई हैं। ये भाई कॉफिन बनाने वाली शॉप, यहाँ पे बनाते थे कॉफिन। तो ये भाई इनकी वर्कशॉप है, और ये कॉफिन बना हुआ पड़ा है, पीछे एक काट है, काट के अंदर इन्होंने खाली कॉफिन रखा हुआ है। तो भाई वो पीछे अंकल बता रहे थे पुराने टाइम पे कैसे वो बनाते थे, ये जो ये सारे पहिए हैं कैसे वो बनाते थे, ये वाले पहिए। तो ये सारा सामान वगैरह इन्होंने अभी भी रखा हुआ है जस्ट टू शोकेस पुराने टाइम पे। और ये व्हील असेंबली करके वर्कशॉप है, यहाँ पे व्हील्स वगैरह बनाते थे। सामने है भाई टिम्बर वेंडिंग की वर्कशॉप, तो नाम से तो लग रहा है यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह मोड़ते हैं जो पहिए पर लगाते हैं आपके, क्योंकि जो पहिए की शेप होती है गोल होती है, तो दैट्स हाउ वो यहाँ पे बनाते थे सारी
लकड़ियों वगैरह को बेंड करते थे, फिर उधर जाके वो रिम पे उसको इंस्टॉल करते थे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारा सब काम मैनुअल होता था। मशीनें वगैरह तो अभी आई हैं, उस टाइम पे तो कोई मशीन वगैरह भी नहीं होती थी। तो ये वही कन्फेक्शनरी यहाँ पे दिखा रहे हैं। गुड, हाउ आर यू? यहाँ पे वही ऐसे कॉफ़ियाँ बनाते हैं। 3 o'clock? Yeah, 3 o'clock. You can try 1 o'clock. They have raspberry drops. Can I take 2? Yeah. All right. Cool. Thank you. But if you want to get my pick up at 3 o'clock today. Perfect. Thank you. ये भाई पुराने टाइम का थिएटर, तो यहाँ पे शोज वगैरह होते थे। चेयर्स वगैरह रखी यहाँ पे बैठने के लिए। ऊपर भी सीटिंग एरिया अगर आप देख रहे हो वहाँ पे, तो आई थिंक अमीर लोग ऊपर बैठते थे, हमारे जैसे गरीब लोग नीचे बैठते थे। So, yeah, it has been really, really hot actually. I love the hot weather, but I think it's just a little too hot for me. तो ये भी यहाँ पे अम्ब्रेलास वगैरह कपड़े हैं सारे, और इसको बोलते हैं ड्रेपरी डिपार्टमेंट। और ये स्कर्ट्स वगैरह हैं, ड्रेसेस वगैरह जो पुराने टाइम पे लेडीज पहनती थी। और ये है यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह, कप्स वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये जो सारा सामान है यू कैन बाय इट, ये डिस्प्ले के लिए नहीं है बट आप ख़रीद भी सकते हैं। यह है लड़कों का डिपार्टमेंट, मोस्टली यहाँ पे हैट्स वगैरह पड़े हैं, कपड़े कम हैं। नहीं, कपड़े भी हैं, पीछे रखे हुए इन्होंने कपड़े वगैरह। तो यह पुराने टाइम पे लोग काफ़ी बन तन के रहते थे। ये है वो ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था, गोल्ड माइन टूर वाली। तो ये ट्रेन बिल्कुल नीचे तक जाती है अंडरग्राउंड, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे को फिल्मिंग करने से मना किया था, तो मैं ज़्यादा फिल्मिंग नहीं कर सका। Convenient spot for me to get you out of the mine for the next 35 minutes. Anybody not feeling all right down here so far? तो वही वो टूर तो ख़त्म हो गया जो हमारा गोल्ड माइन वाला था। जितना मैं एक्साइटेड था उतनी ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। $8 की टिकट थी, वो तो चलो इतना फील नहीं हुआ। तो पहले उन्होंने आई थिंक नीचे ले जाके बोला फिल्मिंग नहीं करनी, विच इज़ स्टिल फाइन। तो बट लेकिन जो उसके आगे थे उन्होंने माइन वगैरह में कुछ घुमाया नहीं। मेरा जो टूर का नाम था उसका नाम था द ट्रैप्ड। बेसिकली यहाँ पे एक डिज़ास्टर हुआ था जिसमें आई थिंक 27 लोग नीचे ट्रैप हो गए थे माइंस में। तो बस उसकी मूवी दिखाई थी इन्होंने, ज़्यादा माइंस वगैरह उन्होंने नहीं घुमाई। एक छोटी मूवी दिखाई थी और एक बड़ी मूवी। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है नीचे जाने का, तो इट्स बेटर आप जो दूसरे वाला है रेड हिल माइन वहाँ पे चले जाना, वो फ्री भी है और सेल्फ गाइडेड भी है, वहाँ पे आप वीडियो वगैरह भी शूट कर सकते हो। तो जो ये वाला था गोल्ड माइन टूर, मेरे को इतना वर्थ इट नहीं लगा। बाकी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा आई थिंक 3rd टाइम है। तो नीचे जो इसका सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है वो एक छोटी सी ट्रेन है, ट्रेन में बिठा के आपको नीचे लेके जाते हैं, तो वो यूनिक एक्सपीरियंस रहता है। पूरा डार्क हो जाता है, आपको कुछ नहीं दिखता है। अदरवाइज़ बाकी सब तो आई थिंक नॉर्मल है। तो भाई हो चुका है ख़त्म, अब है हमारी वापस जाने की तैयारी। तो मैं वापस आ गया हूँ पार्किंग में, अभी बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी थी तो गाड़ी का एसी वगैरह ऑन किया हुआ है ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। बाकी बढ़िया दिन था आज, अच्छा निकल गया। लकली टच वुड आज मौसम अच्छा था, तकरीबन आई थिंक मोस्टली 20s में था, नहीं तो अदरवाइज़ 30s में जा रहा था। दो तीन दिन तो आई थिंक 40s में भी था, तो उस हिसाब से दिन अच्छा रहा आज। तो अब चलिए चलते हैं, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।